ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सोमवार को दुर्ग के तरुण टॉकीज में छत्तीसगढ़ी फिल्म नव बिहान दुर्ग के पुलिस विभाग के लिए खास तौर से प्रदर्शित की गई। फिल्म को देखने लगभग 100 से भी अधिक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी टॉकीज पहुंचे। दुर्ग एसपी ने भी फिल्म देखी। इस मौके पर पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया था। नक्सली समस्या पर बनी इस फिल्म को लोगों के द्वारा काफी सराहा जा रहा है। फिल्म देखने के बाद दुर्ग एसपी ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष इस प्रकार से दी। नक्सलियों में काफ़ी कम मूवीज जो है नक्सलवाद को दिखाते हुए अंदरूनी जिंदगी जो अंदरूनी क्षेत्र में जो लोगों की व्यथा है उसको दिखाते हुए बनाई गई है कि कैसे ट्राइबल्स जो है वो नक्सलियों के चंगुल में फंस गए हैं और उनको अपनी स्वच्छंद जीवन जीने का भी अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पुलिस के एक पॉजिटिव रोल को दिखाया है किस तरह पुलिस जो है आबादी से जाके अंदर नक्सल अभियान करते हैं, दो दिन तीन दिन जंगल में रुकते हैं। छत्तीसगढ़िया भाषा में दिखाई, काफ़ी छत्तीसगढ़ के जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको ज़्यादा नक्सलवाद के बारे में ज्ञान नहीं है। निश्चित रूप से इस मूवी के बनने से लोगों की संवेदनाएँ बढ़ेंगी, फोर्स किस डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करती है उसको लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे। मैं 6 वर्ष दंतेवाड़ा में मैंने सेवाएँ दी, लगातार अंदर हमने अभियान चलाया। सुरक्षा बल बहुत ही आबाजी के साथ, छत्तीसगढ़ पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, कंधे कंधे मिलाकर लड़ते हैं और अपने जान को जोखिम में डाल के नक्सलवाद का सफाया कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्द ही नक्सलवाद का छत्तीसगढ़ से सफाया संभव है।